यार, ये ऑफिस का काम पेंडिंग में पड़ा है। मैंने तो सोचा था आज मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा, मेरे तुमको बोल के जाने को। अरे यार, अभी इतना सारा काम करने को सुबह हो जाएगी, कैसे करूं? काश मैं अपने टाइम को सही से मैनेज कर पाता, तेरे काम हो जाता मेरा। अरे यार, कैसे कर सकते हैं, कैसे पॉसिबल? हाँ जी, सो गाइस, की हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक है कि इज टाइम मैनेजमेंट अ रियली टफ टास्क और नॉट, कि या टाइम मैनेज करना, किसी भी काम के लिए टाइम को मैनेज करना क्या सबसे बहुत मुश्किल काम है क्या? ये इतना भी मुश्किल नहीं है। तो मेरा आंसर एक वर्ड में होगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो ये तो सबसे आसान चीज है, लेकिन होता क्या है कि सिचुएशन बाय सिचुएशन चेंज होता रहता है। अगर आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, टाइम मैनेज करने के लिए मैं आपको वेज और तरीके तो कहूंगा, लेकिन सबसे पहले ना आपको अपने आप से सवाल करना है, क्या आप सच में चाहते हो टाइम मैनेज होना? आप सच में चाहते हो एक सॉर्टेड लाइफ, मतलब एक अपने हिसाब की लाइफ जीना? अगर हाँ, तो गाइस आप कमेंट में मैसेज करिए या कमेंट करिए कि यस आई कैन डू इट। बस इतनी सी मोटिवेशन की जरूरत होती है। अब करते हैं बात हमारे टाइम मैनेजमेंट की। ये तो हो गया थोड़ा सा मोटिवेशन गाइस। आई जस्ट बिलीव यार, थोड़ा सा मोटिवेशन स्टार्टिंग से आ जाए ना, तब मजा आता है पॉडकास्ट करने में। अब आता है सबसे मेन टॉपिक्स पे, हमारे टाइम को मैनेज कैसे किया जाए। बहुत तरीके हैं यार, आप गूगल कर लो, ऑनलाइन देख लो, ऑनलाइन भी छोड़ो, अगर आप नॉर्मल कहीं किसी से पूछोगे तो ये बोलेगा यार ये कर ले यार वो कर ले, ऐसे ऐसे करके टाइम। लेकिन प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट ना हर कोई नहीं कर पाता है। ठीक है, आज किसी ने बोल दिया, सपोज मैंने बोल दिया टाइम मैनेज करो, आपने एक शेड्यूल बनाया पेपर पे और पेपर पे लगा दिया, लेकिन मैंने तो बोला ही नहीं पेपर वाली बात। अब आप बोलोगे तुमने क्यों नहीं बोली टाइम मैनेजमेंट, तो हर कोई बोलते पेपर वाली बात। मैं रियल टाइम मैनेजमेंट की बात करूंगा गाइस, ना कि सिर्फ दिखावे या ऐसा पेपर वाला टाइम मैनेजमेंट का कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आपने आज पेपर पे लिख दिया पूरे हफ्ते का शेड्यूल, मंडे से लेके संडे तक मैंने ये करना है, इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है। आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के ये बताओ, क्या सच में आप वो शेड्यूल फॉलो करोगे? करोगे कितने दिन करोगे? एक दिन, दो दिन, चार दिन, पांच दिन, हफ्ता, फिर वापस ऐसे हो जाओगे? इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप रियल टाइम मैनेजमेंट सीखो। ये वाली टाइम मैनेजमेंट तो कोई नहीं कर सकता, ये तो मैंने भी की थी अपने टाइम में, लेकिन इसका कोई बेनिफिट नहीं होता, बिकॉज हम इसको ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाते। हमें चाहिए इन्फिनिटी परमानेंट टाइम मैनेजमेंट, ऐसी टाइम मैनेजमेंट जो तो मतलब बदल देना पूरा 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 पैशनेट कर देगा हमारे लिए। तो मैं आपको वो टाइम मैनेजमेंट सिखाऊंगा। अब इसका टेक्निक है कि जैसे सपोज आप सुबह उठे हैं, आपने जैसे कि मैं हर पॉडकास्ट में कहता हूं कि 5 to 10 minutes अपने ब्रेन में सिर्फ ये सोचो कि मुझे आज पूरे दिन में क्या क्या काम करना है। जैसे सपोज मुझे ब्रश करना है, अब आप बोलो कि ब्रश करना, टॉयलेट जाना, ये सब क्यों सोच रहे हो? सोच के तो देखो, पहले मुझे ब्रश करना है, सीक्वेंस बनाओ अपने दिमाग में कि पहले मैं ब्रश करूंगा, फिर मैं वॉशरूम जाऊंगा, फिर मैं नहाऊंगा, फिर मैं खाना खाऊंगा, फिर मैं जॉब पे जाऊंगा, फिर मैं जॉब पे ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, फिक्स। एंड उसके बाद खाना खाऊंगा, लंच, फिर दोबारा काम करूंगा, फिर स्नैक्स, फिर दोबारा काम करूंगा 1 घंटा, फिर उसके बाद घर आ जाऊंगा और घर आके रात का खाना, एंड देन थोड़ी वीडियो देख के सो जाऊंगा। ये है एक बेसिक स्केड्यूल जो हर किसी का होता है। अब किसी किसी के स्केड्यूल में वेरिएशन हो सकती है, किसी की सिचुएशन अलग हो सकती है, वो डिपेंड है। लेकिन क्या होता है ना, हम जब टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, मैनेजमेंट इसके लिए, मैनेजमेंट का मतलब ये है कि समय को हम अपने हिसाब से कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कि मुझे अभी ये काम नहीं करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है। सो ऐसे करके आप डिवाइड कर सकते हो अपने टाइम। अब सबसे बेस्ट तरीका टाइम का यही है कि आप ना दिन के 4 टाइम तो होते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। ये 4 तो आपको पता है, ये 4 सबको याद रहते हैं कि मुझे मॉर्निंग में ये, मॉर्निंग का टाइम तो आपको पता ही है ना, लंच का टाइम पता है आपको, मतलब आफ्टरनून का, इवनिंग का एंड नाइट, ठीक है। इन 4 टाइम का आपको, खाने के टाइम तो सबको याद रहते हैं, ठीक है। तब ये कर सकते हो कि जब आप कंज्यूम कर रहे हो फूड, तो फूड कंज्यूम करने के बाद ना आप थोड़ी सी रिसर्च,
जस्ट उसको ना टाइम स्केड्यूल वो करना, लेकिन आप बोलोगे यार इन्फिनिटी ऐसा होता तो है, हम तो स्क्रॉल करते हैं पता नहीं कब 2-3 घंटे निकल जाते हैं, फिर हम अपने काम को नहीं करते। तो आप एक ना एक काम कर सकते हो, अपने मोबाइल में ना अलार्म क्रिएट करो, जैसे कि आपने अपने दिमाग में सोच रखा है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट ही ऑनलाइन कंटेंट को कंज्यूम करना है, या आज मुझे सिर्फ इस टाइम पे जैसे सपोज 8 बजे उठे हो, मुझे 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना है, तो आप उसके लिए क्या करो, अपने ना मोबाइल में अलार्म सेट कर दो कि यार एग्जैक्ट 10 बजे अलार्म बजेगा। तो जैसे ही अलार्म बजेगा आपके दिमाग में एकदम क्या आएगा, अरे हाँ मैंने तो भूल ही गया, उस अलार्म पे लिख दो कि आपने 10 बजे ये काम करना। और बोलोगे इस ट्रिक से फायदा क्या, करके देखो, आप जब ये अलार्म पे लिख दोगे कि मुझे उस टाइम पे ये काम करना था, अलार्म अपने टाइम पे अपने हिसाब से बजेगा, जैसे अलार्म बजेगा ऑब्वियसली बात है मोबाइल तो देखते ही हो, अब देखोगे अच्छा हाँ ये टाइम पे मुझे ये काम करना था, बस आप फिर ऐसे ही करके आप भूल नहीं सकते। बिकॉज क्या होता है ना, हम धीरे धीरे इस टेक्निक को बोलते हैं एमरजेंसी टेक्स्ट मैसेज को रीड करने की, जो हमारी कैपेसिटी होती है ना बहुत ज्यादा होती है। जैसे सपोज एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस के सायरन का साउंड, पुलिस की गाड़ी के सायरन का साउंड, वो एकदम से हमको कैच करता है। क्यों? क्योंकि वो जो साउंड है ना वो नॉर्मल गाड़ी के साउंड से काफी डिफरेंट है। अब नॉर्मल गाड़ी के साउंड के पे पे और बहुत अलग अलग गाने वगैरह, वो सब तो वो सबसे ना आप बोर हो जाओगे या ऐसा सच आपको ना सर में पेन होने लगेगा। लेकिन एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी का जो सायरन का साउंड है ना वो ऑलवेज सेम रहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको डिफाइन किया, मतलब उसको एक कैटेगरी में डाल दिया कि ये इसी कैटेगरी में रहेगा, ये साउंड इसी के लिए बना है। ठीक है, इसी तरह से आप अपने स्केड्यूल को भी डिफाइन कर सकते हो अलग 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 चीजों में, कि मुझे ऐसा ये काम करना है इस टाइम पे मुझे ये काम करना है, अलार्म सेट करो डिफरेंट डिफरेंट। अब आप बोलोगे इनफिनिटी अलार्म सेट करो तो बहुत टाइम जाएगा, कितना टाइम जाएगा, 5 मिनट लगते हैं, आपको सिर्फ पता होना चाहिए, सोचने में तो कोई टाइम नहीं लगता कि काम करने को, उसके अलार्म सेट कर दो 10 अलार्म होंगे, वो अपने अपने टाइम पे बजते जाएंगे, जैसे बजेंगे ना ऑफ बजेंगे ऑफ बजेंगे ऑफ। इस तरह से क्या होगा कि आप रोज का ना उसको डेली पे सेट कर दो, डेली पे अगर आप सपोज आपके डेली के 5 से 10 अलार्म है तो 5 से 10 अलार्म अपने टाइम पे हर रोज बजेंगे। इससे क्या होगा, धीरे 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 करके ना आपको आदत पड़नी शुरू हो जाएगी, और जैसी जैसी हैबिट पड़नी शुरू हो जाएगी ना तब आपके लिए टाइम को मैनेज करना ना बहुत इजी हो जाएगा, आपको याद रहने लगेगा। आपको पेपर पे नहीं लिखना है, आपको अपने दिमाग को याद रखवाना है कि मुझे इस समय ये काम करना है, मुझे इस समय यहाँ पे जाना है, मुझे इस समय ये काम नहीं करना है। ऐसे करके आप अपने ब्रेन को ट्रेन कीजिए, पेपर देख के अपनी आईज को मत ट्रेन कीजिए, अपने ब्रेन को ट्रेन कीजिए। जैसे आपका दिमाग सीख जाएगा चीजें, जब आपका दिमाग धीरे धीरे चीजों को सीखना शुरू कर देगा तब आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि यार हम तो क्रिएटिव फील्ड में, अब जैसे मेरा एग्जांपल लो, अब मेरी यूट्यूब की क्रिएटिव लाइन है, जैसे मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, ब्लॉग लिखता हूँ, पॉडकास्ट करता हूँ, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी का काम है, मतलब टेंशन एंड स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। लेकिन उसके बाद भी हाउ आई एम एबल टू मैनेज टाइम, उसका रीजन यही है कि मैंने टाइम को प्रॉपरली मैनेज किया है। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, अलार्म मैंने इसलिए आपको ऑप्शन दिया बिकॉज आप मेडिटेट नहीं कर सकते, अगर इतना टाइम नहीं होगा मेडिटेट करने का, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं रोज मेडिटेट हर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में करता हूँ, इसी कारण से मुझे अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे दिमाग में मुझे फीड रहता है कि मुझे इस समय ये काम करना है। बस इतना है कि मैं उस काम के प्रति ज्यादा ओवरथिंक नहीं करता, आप सिर्फ उसमें इतना लिख दो कि मुझे ये काम करना है। ओवरथिंक मत करो, ज्यादा मत सोचो कि यार ये काम कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ नहीं होता यार, सिर्फ इतना सोचो कि मुझे ये काम करना है, बस बात खत्म। ओवरथिंक करोगे ना तो काम कॉम्प्लिकेटेड होगा, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, फिर आपका दिमाग ना थक जाएगा और बोर हो जाएगा। अगर एक बार आपका दिमाग बोर हो गया ना फिर वो काम नहीं कर सकते। अगर आपको काम करना है तो बस एक बार सोचो कि मुझे करना है, बात करना, उसके बाद चाहे अच्छा हो चाहे कुछ भी हो कर दो, और उसके बाद आगे जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे देखे जाएंगे। इससे क्या होता है आपके दिमाग में ना एक हैप्पीनेस और एक क्रिएटिविटी रहती है कि अच्छा मुझे ये भी चीज ट्राई करनी है। ऐसे करके आप ट्राई करते हो धीरे 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 धीरे, उनके लिए है जिनको क्रिएटिव फील्ड में काम करना है, लेकिन जिनको नॉर्मल फील्ड में काम करना है वो टाइम ये अलार्म वाला जो शेड्यूल है इसको फॉलो कर सकते हैं। क्रिएटिव वालों के लिए तो यार मैं सजेस्ट करूंगा अलार्म प्लस मेडिटेशन दोनों कंबाइन करो, तब जाके आपके लिए ज्यादा इजी होगा टाइम मैनेज करना, काम मैनेज करना।
बिकॉज मैं मानता हूँ कि क्रिएटिव फील्ड में बहुत टेंशन, बहुत स्ट्रेस रहता है कि हर बार कुछ नया कंटेंट को भी कंज्यूम करना होता है। सो आप एक प्रॉपर अगर टाइम शेड्यूल में डिवाइन डिफाइन कर दोगे ना अपने आपको, तब से बहुत आसान होगा टाइम को मैनेज करना। बिकॉज आई नो बहुत कंटेंट को कंज्यूम करना पड़ता है, फिर सोचना पड़ता है, फिर रिसर्च करनी पड़ती है, सो इस समय टाइम बहुत जाता है। सो इस तरह से अगर आप थोड़े थोड़े टाइम को मैनेज कर पाओगे ना, आपका दिमाग बोर भी नहीं होगा। बिकॉज यार मैं जब अपने स्कूल डेज में होता था ना, तो वहां पे हमें मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। अब मुझे ना मैथ्स सब्जेक्ट सबसे टफेस्ट लगता था पहले, अभी पहले तो, क्योंकि मुझे पहले ना कभी कोई उसको एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता था कोई। जब भी जैसे सपोज आपको मैथ्स के फॉर्मूले याद होंगे, अगर किसको भी याद है, आप कभी नहीं बताने किसी किसको याद है ये फॉर्मूले, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, कितने लंबे लंबे फॉर्मूले है ना। अब आपको किस को याद होगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए, या फिर आप इसको क्यूब में भी कर सकते, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस थ्री ए बी अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब बोलोगे मुझे ये रटे कैसे है, रटे नहीं है सीखे हैं। वो सीखे कैसे थे मैंने कि जब मुझे ये चीज स्टार्टिंग में बहुत टफ लगी थी यार, याद तो हो जाते थे, मैंने अप्लाई नहीं कर पाता था। तो मैं क्या करता था, एक फॉर्मूले को जैसे सपोज मैंने एक फॉर्मूले याद कर लिया, मतलब इन द सेंस मेमोरी में एक सेकंड के लिए याद रह गया कि ए प्लस बी का स्क्वायर का ये फॉर्मूला। तो आप क्या करो, आपको आर डी शर्मा कितनी सारी किताबें, आप उन किताबों से ना उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग के क्वेश्चन गूगल पे सेम जो फॉर्मूला है उसके रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढो। तो धीरे धीरे जैसे जैसे सिर्फ एक टॉपिक पे क्वेश्चन करते जाओगे, 5-10 क्वेश्चन करोगे ना आपको याद हो जाएगा। इस तरह से करो, ये उनके लिए है जो अभी स्टडी कर रहे हैं कि आपको अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, एक बार उस टॉपिक के बारे में पढ़ो, फिर उससे रिलेटेड आपके दिमाग में जितने क्वेश्चन आते हैं उन्हें पेपर पे लिखते चलो। अच्छा मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है, उस एक टॉपिक सिर्फ एक टॉपिक तो क्वेश्चन लिखते चलो, एंड उसके बाद फिर अगले दिन जब आप उस पेपर को देखोगे ना, क्या पता आपको कोई और आइडिया आंसर मिल जाए। तो इस तरह से आपके लिए ना हर बार नया क्रिएटिविटी क्यूरियोसिटी रहेगी, अपने काम को सीखने की। इस तरह से आप अपने सिलेबस को ना बहुत जल्दी कवर अप कर सकते हो। अब अगर एग्जाम्पल देख कोडिंग का, आजकल कोडिंग बहुत लोग सीखते हैं तो सारे ये सोचते हैं यार कोडिंग बहुत मुश्किल है। अगर आपको कोडिंग सीखनी है, मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, मैंने खुद का अपना एक क्या बोलते हैं वो लॉन्च किया प्लेलिस्ट, आप मिस्टर एस क्यूरियोसिटी चैनल पे सर्च करके ढूंढ सकते हो, पाइथन की प्लेलिस्ट है, नहीं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप यहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो। सो बेसिकली गाइस मैं वहां पे क्या करता हूँ कि वहां स्पेसिफिक स्पेसिफिक जो बिगनिंग टॉपिक है ना, एक टॉपिक उठा लिया, उस पर मैं थोड़ा थोड़ा देख लिया, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। आप चाहे वो क्वेश्चन अपने आप ही ट्राई करके देख सकते हो। बेसिकली क्या है, उसमें मैंने ऐसा किया कि मैं इसे कभी गलतियां भी हो रही है, कभी नहीं गलती हो रही है। मैं ये चीज इसलिए दिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि चीजें से जब आप कोई भी नई चीज ट्राई करोगे, आपसे गलतियां भी होंगी, आपसे नहीं भी हो सकते हैं गलतियां, लेकिन ये मत सोचो कि अगर आपसे गलतियां होगी ना या आप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है यार, अगर आपसे गलती हो रही है क्या पता उसको बेनिफिट क्या आपको तौर पर दुगना मिल जाए। आपसे अगर एक गलती हो रही है बेनिफिट में आपको दुगना तिगुना मिल जाए। सो ये एक कोरिलेशन है, आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि यार टाइम मैनेजमेंट मेरे से हो नहीं रही है ना, मैं मैनेज नहीं कर सकता तो मेरे से कुछ नहीं होने वाला। ऐसा कुछ नहीं है यार, हर कोई कर सकता है, हर किसी के अंदर टैलेंट है, हर कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन बस बात इतनी होती है उसके अंदर करने की उत्सुकता, जज्बा, जुनूनियत, पागलपन, दीवानापन, ये सब होना चाहिए। जब ये सब होगा ना आपके अपने काम पे करेंगे तो आप बहुत इजीली टाइम को भी मैनेज कर पाओगे, बहुत इजीली आप अपना काम कर पाओगे। तो गाइस होता पता क्या है, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट का सबसे इजी सॉल्यूशन बताऊं तो आप वो काम करो जिसमें आपका पैशन है, मतलब जो आपका मन कहता है करने को। अगर आपके मन में कहता है कि मुझे सिंगर बनना है, मुझे डांसर बनना है, मुझे एक्टर बनना है, तो आप वो काम करो। आप बोलोगे यार इंफिनिटी लेकिन उसमें पैसे, सुनो आप अगर अपने पैशन को फॉलो करोगे ना तो आपके लिए टाइम को मैनेज करना बहुत इजी हो जाएगा। बिकॉज आपके अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएटिविटी है यार मुझे तो करना है, तो बस फिर आपके लिए टाइम मैनेजमेंट करना एक चुटकी और खेल होगा। आपको अपने आप अपने दिमाग में आइडिया देगा, अच्छा जिस टाइम पे ये करना है, कोई ना मैं टाइम को ऐसे मैनेज करूंगा, मैं ऐसे मैनेज करूंगा, ऐसे मैनेज करूंगा। बहुत एग्जाम्पल्स हैं जो टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर पाते हैं, ठीक है। सो यही एक सिंपल सोल्यूशन है कि या तो आप अपने पैशन के अकॉर्डिंग चलते रहो तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ईजी है, लेकिन अगर आपको अपनी नीड पूरी करनी है कि एक तो है डिजायर, एक तो जो मेरी ख्वाहिश है, एक है जो मेरी जरूरत है। अब ख्वाहिश के पीछे अगर हम जाते हैं तो हम उसको पूरा नहीं कर पाते, बिकॉज उसके लिए हमारे पास
उतना इन्वेस्टमेंट कैपिटल यानी कि मनी नहीं। लेकिन अगर हम अपनी जरूरतों को पूरा कर ले तो जरूरतों को पूरा करने से हमारे पास पैसे भी आ जाते हैं, हम अपने काम को कर भी पाते हैं। बिल्कुल सही है। तो दोनों को बैलेंस करो ना, अपनी ख्वाहिश को अपने दिल में रखो और अपनी जरूरतें भी पूरी करो। लेकिन क्या करो ना, जरूरतों के टाइम को अपने पर हावी मत होने दो। जरूरतें जो है ना हमारी, वो हमारी बेसिक नीड्स है जो हर एक इंसान की अलग अलग होती है, थोड़ी 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 थोड़ी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि सारी जिंदगी आप सिर्फ जरूरतें पूरी करते रहो। नहीं, जरूरतें कुछ समय के लिए पूरी करो, लेकिन अपनी ख्वाहिश भी अपने साथ रखो। क्योंकि अगर आपके पास कोई ख्वाहिश ही नहीं होगी, कोई चाह ही नहीं होगी काम करने की, तो आप अपनी जरूरतों को भी अच्छी तरह नहीं पूरा कर पाओगे। आपके दिमाग में टेंशन स्ट्रेस रहेगा कि यार इतने साल बीत गए, मैंने इतने कमा लिए, लेकिन यार मैं अपनी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सका, मैं वो नहीं कर सका, मैं ये नहीं कर सका। सो इसीलिए कहा जाता है यार, दोनों को बैलेंस करके चलो ना। जिस चीज को आपको चाह है उसे भी करते रहो, लेकिन साथ में जरूरतें भी पूरी करो। दोनों बैलेंस करके चलो। जब दोनों को बैलेंस करके चलोगे ना, तो आपका ऐसे कभी डगमगाएगा नहीं, वैसे बैलेंस रहेगा। बिकॉज क्या होता है ना, लाइफ को बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है। अगर आप एक लाइफ को बैलेंस करके चलोगे ना, तो अपनी जरूरतें भी पूरी कर सकते हो, प्लस अपनी ख्वाहिशें भी पूरी कर सकते हो। अब आज के टाइम में तो बहुत आसान हो गया, जैसे आप अपना ऑफिस का काम कर रहे हो, आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, आजकल तो कंटेंट बना के मतलब अपना टैलेंट दिखा सकते हो इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू, यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू। पहले टिकटॉक होता था, उसका टाइम जा चुका है। यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, आप चाहे तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके आपके दिमाग में जो भी आता है, मतलब सच वर्क कर रहे हो, ठीक है। आप जॉब कर रहे हो, आपके दिमाग में आइडिया आ गया कि मैं अगर ऐसे ऐसे कुछ कर लूं, कुछ भी सोच सकते हो, तो क्या होगा। तो आप उस चीज को ना, जब आपको ब्रेक मिले, आप फ्री टाइम मिले, तो आप उसको कंटेंट को देखो, किससे रिलेटेड कोई कंटेंट को नहीं है। अगर नहीं है तो एक काम करो, आप खुद कंटेंट बना दो। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट से रिलेटेड कुछ उटपटांग कमेंट्स आ जाएंगे, कुछ अच्छे कमेंट्स आएंगे, कुछ बुरे कमेंट्स आएंगे। लेकिन इससे आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा, कि मैं जो कर रहा हूँ काम, वो यूनिक भी है कि नहीं। आपको ट्राई करते तो देखना पड़ेगा ना, तभी तो आपको पता चलेगा कि आप जो ख्वाहिश कर रहे हो क्या वो यूनिक भी है कि नहीं। अगर वो यूनिक है तो वो आपका टैलेंट क्रिएटिविटी बनके आपका पैशन में कन्वर्ट हो सकती है। पैशन के लिए आपको सिर्फ रिसर्च करनी पड़ेगी अपने ऊपर, आपको खुद को पता लगाना है कि आपके अंदर टैलेंट किस चीज का है। अब आप बोलोगे एनपीटी हमें तो पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, इसके लिए एक नया पॉडकास्ट आएगा, उसमें आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा कि अपने टैलेंट को कैसे रिसर्च किया जाए और अपने पैशन को कैसे समझा जाए। बिकॉज यार ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस इतना है कि थोड़ा सा ना समय लगता है इस चीज को समझने में। अगर आप थोड़ा समय लगाएंगे ना टाइम को मैनेज करने में, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। बिकॉज कोई काम, एक काम तो यह है जो आप एक महीने से कर रहे हो, एक काम यह है जो आप 10 सालों से कर रहे हो। तो एक बात बताओ, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आते, तो कैसे आप सुबह का खाना, दोपहर का खाना, शाम का खाना, रात का खाना, चारों टाइम का खाना कैसे खा लेते हो, कैसे खा लेते हो? वो तो टाइम पे आप अपने खाते हो ना। आप सुबह उठे हो, आपको पता है कि मुझे सुबह का नाश्ता करना है, मुझे इस टाइम पे लंच करना है, मुझे दोपहर का लंच के बाद शाम को चाय पी के कुछ स्नैक्स खाने हैं, रात को मुझे खाना खाना है। क्या आपको उसके लिए टाइम मैनेजमेंट सीखनी पड़ती है? आप एक और एग्जांपल लेता हूँ, आपको बाइक आती है चलानी, आपको गाड़ी आती है चलानी, अपनी गाड़ी और बाइक चलाने कितने टाइम में सीखा? एक हफ्ते में या एक महीने में, ठीक है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस आ गया, क्या आपको रोज याद रखना पड़ता है कि आपको ये गियर बदलना है? नहीं, आपको आदत पड़ जाती है। फिर आप नॉर्मली एसएस भी करके ड्राइव करते हो, तो आप एसएस करके गियर बदल लेते हो, और इवन आप साथ में किसी से बात भी कर लेते हो, और आपको ऐसा कुछ ज्यादा महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज को प्रैक्टिस कर करके सीखा है। बाइक चलाना भी प्रैक्टिस कर करके सीखा है, सेम गाड़ी चलाना भी प्रैक्टिस कर करके सीखा है। तो प्रैक्टिस कर करके भी तो टाइम मैनेजमेंट सीखी जा सकती है, कोई मुश्किल काम थोड़ी है। पेपर पे अगर आप लिख दोगे तो वो ना पेपर तक सीमित रहेगी। अगर आपने पेपर पे डिजाइन बना दिया कि मुझे ऐसे टाइम मैनेजमेंट पे नहीं आता, फिर फॉलो करने वो ज्यादा टाइम तक टाइम तक नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो ब्रेन है ना बहुत जल्दी बोर हो जाता है। अगर आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है ना, तो आपको उस काम को रोज 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 करना होगा। जब उसे एवरीडे करोगे ना, तो धीरे धीरे उसको उसी बोरिंग काम में ना आपके ब्रेन को मजा आना शुरू हो जाएगा। एक बार आपके ब्रेन को हैप्पीनेस मिलने लगी ना अपने काम में, क्रिएटिविटी आने लगी, जो कहोगे वो हो जाएगा। मतलब इन द सेंस जो कहोगे वो हो जाएगा, मतलब आपकी जो ख्वाहिश है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। बिकॉज क्या होता है, सिर्फ आपका अपने ब्रेन को सिखाना है, समझाना है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, मैं जैसे टाइम मैनेजमेंट कर रहा हूँ वो सही है।
अब बोलोगे सोचने से क्या होता है? अरे सोचने से तो सब होता है मेरे भाई, आप अपने ब्रेन को तो ट्रेन करना है आपको सिर्फ, और किसी को सिखाने की जरूरत है? ऐसे बाबू, ख्वाहिश आपकी, सोच आपकी, काम करना आपको, जरूरतें पूरी करनी आपको अपनी और दूसरों की, मतलब जो भी आपके साथ फैमिली मेंबर्स हैं या शायद दूसरों, ठीक है? तो ये करने के लिए मेहनत किसको करनी पड़ेगी? कोई दूसरा करेगा आपके? नहीं, आपको खुद करनी पड़ेगी गाइस मेहनत। जब आपको खुद ही मेहनत करनी है तो टाइम मैनेजमेंट करो। टाइम मैनेजमेंट से आपको वो काम, वो टेंशन, वो स्ट्रेस कम हो जाएगा और आप बहुत आराम से अपना काम कर पाओगे। आराम से अपना काम कंप्लीट कर लो और एक साइलेंट लाइफ जी लो, एक शांति से जीवन जी लो। लेकिन नहीं यार, हमें तो पता क्या होता है, हम ना टेंशन स्ट्रेस में सोचते हैं, नहीं टेंशन लेंगे स्ट्रेस लेंगे तभी तो लाइफ में मजा आएगा, तभी तो लाइफ में किक मिलेगी, वो एडवेंचर मिलेगा। अच्छा, अगर इसी चीज से आपको एडवेंचर हो, किक मिलती है, फिर क्यों परेशान होते हो कि यार मेरी तो लाइफ बेकार है, यार मैं तो इंसान ही बेकार हूं, यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये क्यों सोचते हो? अगर आपकी लाइफ सॉर्टेड है, अगर आपकी लाइफ आपके हिसाब से चल रही है, तो ये क्यों सोचते हो फिर? बता दो, है कोई इस वाले जवाब देने वाला? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि यार हम ऐसा करते क्यों है। इसका कारण ये है कि हमने अपने ब्रेन के अंदर जो थॉट्स है ना, उसके कंट्रोल में, हमारे थॉट्स हमें कंट्रोल कर रहे हैं, ना कि हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। यही 95% लोग करते हैं कि वो अपने थॉट्स कंट्रोल में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जो उनके दिमाग में आते हैं वो वही करते रहते हैं। इन द सेंस में ये नहीं कह रहा हूं कि आप बोलोगे कि तुमने तो बोला जो दिमाग में वो करना चाहिए। हाँ करना चाहिए, लेकिन सही काम को करना चाहिए। अब सही गलत का फर्क कैसे लगा सकते हो? आपके दिमाग में कोई भी चीज आ रही है ना, आप अपने आप से एक बार पूछ लो, क्या जो कर रहा हूं वो सही है? क्या जो मैं करने वाला हूं उसका कोई बेनिफिट है? अगर आपको लगता है हाँ इसका कोई बेनिफिट तो होगा, नहीं इसका कोई नुकसान है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यार अच्छा इस काम का नुकसान है, तो फिर इस काम को करने की जरूरत ही क्या है, उस काम को रहने देते हैं, ठीक है? इसी तरह से हम बोलते हैं ना फिर कि दूसरों से सीखना चाहिए, तो दूसरों से सीख के आपको ज्यादा टाइम के लिए याद ही रहेगी। लेकिन अगर कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले अपने आप से सवाल पूछो कि यार मुझे काम करना चाहिए, और दूसरा सवाल क्या मुझे ये काम करने का कोई बेनिफिट है? अगर बेनिफिट है और मुझे ये काम करने से कोई बेनिफिट मिल रहा है, कोई पॉजिटिविटी आ रही है, ये कोई अच्छा चीज है, मुझे करनी चाहिए यार। अब पैसा भी हो सकता है, वो ट्रेनिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज के लिए आपको अपने आप से सवाल करना आना चाहिए और पूछते रहना चाहिए, हर रोज पूछो हर रोज, क्योंकि आपके अंदर का जो इनर योर है ना, जो असल वो आपके साथ हमेशा है, वो ही आपकी रियलिटी है और वो ही आपको हर चीज का सोल्यूशन दे सकता है। तो जो टाइम मैनेजमेंट है ना, उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा टाइम अपने आप से सवाल करना शुरू करो। आप बोलोगे यार ये तो बहुत अजीब लगेगा, तो आप एक काम करो ना, आप सुबह उठ के अपने आप से सवाल पूछो, बोल के ना पूछो, अपने मन में अपने आप से पूछो, ताकि किसी को पता ना चले। और अगर आपको बोल के ही पूछना है, तो आप एक बंद कमरे जैसे बाथरूम में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा अपने आप से सवाल पूछे, ताकि कोई आपको नेगेटिव कमेंट्स ना करे। मैंने ये सजेशन क्यों दिया, वैसे सजेशन देने की जरूरत नहीं है, बट मैं इसलिए दे रहा हूं, कभी कभी क्या होता है ना, हम अपने ऐसे सवाल पूछते हैं, तो अगर हमारे कोई फ्रेंड है तो दूसरा है, तो कोई नेगेटिव थॉट्स हमें पास ऑन करेगा, तो हम डीमोटिवेटेड फील करते हैं और हमें बुरा लगता है कि यार इसने हमें पागल बोल दिया, यार इसने हमें ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा क्यों बोल दिया। तो इसी कारण से जो भी आपको सोच रहे ना, तो दिमाग में सोचो, उसे बोलो मत ज्यादा, क्योंकि जितना ज्यादा उस काम को बोलोगे ना, वो काम ज्यादा मोटिवेटेड नहीं रहेगा, फिर उसके लिए दो और सोच रहे हो तो वो पूरे होने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि वो किसी को पता ही नहीं है क्या सोच रहे हो। आप अपने मन में सोचते रहो कि मुझे ये ऐसे करना है काम, बस आप इसकी प्रैक्टिस करो, धीरे 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 आपको टाइम मैनेजमेंट भी आ जाएगी करनी, और आपके जो मन के थॉट्स हैं वो बहुत ही इजीली मैनेज हो जाएंगे, और आप जल्दी से जल्दी मैनिपुलेट नहीं हो पाओगे। मैनिपुलेट इन द सेंस किसके बहकावे में नहीं आओगे, क्योंकि अगर आप किसके बहकावे में आ गए या किसी की बात मानी, तो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स सबसे पहले आ जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं से मैनिपुलेट नहीं हो रहे हो, किसी की बातें नहीं से डीमोटिवेटेड हो रहे हो, तो आपके लिए आपका जो काम है वो करना बहुत इजी हो जाएगा,
आप मोटिवेटेड भी रहोगे, प्लस आपके अंदर पॉजिटिविटी भी रहेगी, प्लस आप क्रिएटिव भी रहोगे अपने काम के लिए, पैशनेट भी होगे, प्लस आप अपनी जॉब का जो काम है वो भी मैनेज कर सकते हो। दुनिया में कोई काम ना कभी मुश्किल था, ना कभी मुश्किल है, ना कभी मुश्किल हो सकता है, बिकॉज हर चीज बहुत आसान थी। अच्छा एक बात बताऊं, एंशिएंट इंडिया के टाइम में हमसे ज्यादा स्ट्रगल होता था, हमसे ज्यादा स्ट्रगल। आप जस्ट इमेजिन करो, अभी लाइफ तो बहुत ईजी है, उस जमाने में तो कुछ भी नहीं था। तब वो चीजें कैसे करते थे, तो वो ना अपने दिमाग को कंट्रोल करते थे, सारा खेल इसका है। जब वो इसको कंट्रोल कर लेते थे ना, तो उनकी टफ से टफ सिचुएशन भी इजी हो जाती। अब आपने सुना होगा बहुत से ऋषि मुनि 100 साल तपस्या करते थे, 10 साल तपस्या करते थे। आप बोलोगे ओ माय गॉड, मैं तो 2 घंटे भी कहीं नहीं बैठ सकता, वो 100 साल कैसे करते थे? सारा खेल अपने दिमाग का है। अपने दिमाग को ना, अपने ब्रेन को कंट्रोल करो, अपनी ब्रेन को कंट्रोल करो और उन फोर्स को करो कि नहीं, मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूं, मैं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं जाऊंगा। अगर मैं फोर्स कंट्रोल में चला गया तो मैं डेफिनेटली डिमोटिवेटेड हो जाऊंगा और अपने काम को अच्छी तरह कर ही नहीं पाऊंगा। अगर सपोज हम अपने फोर्स कंट्रोल में चले गए, हमारा काम भी हो गया, हमें अच्छा भी लगे, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक नहीं रहता, बिकॉज हम बहुत जल्दी डिमोटिवेट रहते हैं। लेकिन हम अगर अपने काम पे चल रहे हैं, फोर्स की बहकावे में नहीं आ रहे, तो हम थोड़े टाइम के लिए डिमोटिवेटेड फील करेंगे, लेकिन बाद में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम परमानेंट मोटिवेटेड फील करेंगे और हमें वो काम करने में मजा भी आएगा, बिकॉज हमारा वो खुद चाहते थे काम करना, हमारे अंदर का खुद का वो पैशन था, खुद की वो चाहत थी वो करने की, उत्सुकता थी उस काम के लिए, तो जिस चीज की हमें ख्वाहिश कर रही है तो वो काम करने थे ना हमें। जिस चीज की हमें ख्वाहिश ही नहीं है, बस जरूरतें पूरी करनी है, तो जरूरतें पूरी करिए, लेकिन अपनी ख्वाहिश को अपने साथ रखिए, ताकि आप कभी भी डिमोटिवेटेड ना फील करें। आपको हमेशा दिमाग में ये रहे, भले ही मैं अपनी जरूरतें पूरी कर रहा हूँ, भले ही मैं अपनी जरूरतें पूरी कर रहा हूँ, पर साथ में अपनी ख्वाहिश को भी रख रहा हूँ ना। इससे क्या होता है, इससे आप डिमोटिवेटेड चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। अब ये बहुत लोग ना डिप्रेशन में जाते हैं, बहुत सी ऐसी सिचुएशन है जहां पे ओवर थिंक से आप बहुत वर्स्ट सिचुएशन, वर्स्ट कंडीशन में रह सकते हो। So, इसीलिए गाइस मेरा मोटिव यही है कि मैं अपना पॉडकास्ट क्यों स्टार्ट किया था, अपने थॉट्स आपके साथ क्यों शेयर करता हूं। गाइस देखो क्या है ना, अगर कोई बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड है, वो इस वीडियो को सुन रहा है या देख रहा है, तो उसको कोई ना कोई इससे अगर सीखने को मिले तो क्या बुरा मिलेगा। अगर आपके पास कोई चीज है, अगर आपको कोई चीज आती है, तो आपको दूसरों को वो चीज सिखानी चाहिए ना। अब वो बात अलग है कि आप उसे फ्री में सिखाना चाहते हैं, उसे पेड वर्जन में सिखाना चाहते हैं, दैट डिपेंड्स ओनली अपॉन यू, वो आपकी चॉइस है। लेकिन क्या है कि अगर हमें कोई चीज आती है, हमें वो दूसरों को सिखानी चाहिए, इससे ना हमें अंदरूनी तौर पर ना अच्छा महसूस होता है कि हमारी वजह से किसी को बेनिफिट हो रहा है। और अगर किसी को बेनिफिट हो रहा है तो कोई बुराई नहीं है यार, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर किसी को सेल्फिश होना जरूरी है। आज का टाइम है तो आप कोशिश तो कर सकते हो ना, ट्राई करते रहो, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप सक्सेस ले लोगे या नहीं ले लोगे सक्सेस। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना यार कि आप वो काम कर नहीं सकते या कुछ काम करने से कोई नुकसान हो जाएगा। कोशिश तो करके देख लो, ट्राई करके देख लो, अगर सक्सेसफुल हो गया तो भी ठीक है, नहीं भी सक्सेसफुल हो तो भी ठीक है यार, आप अपना काम तो कर ही रहे हो ना। अब आप एक बात बताओ, सोशल मीडिया पे आप कोई भी वीडियो बना दो, कोई भी कॉन्टेंट बना दो, आप उसके लिए कितना टाइम दे रहे हो? थोड़ा सा टाइम दे रहे हो, टाइम तो कोई भी दे सकता है यार, उसमें कुछ ज्यादा मैटर थोड़ी है। आप नॉर्मल अपने वर्किंग आवर्स कंप्लीट करिए ना, आप 6-7 घंटे 8 घंटे काम करिए, कितनी बनानी है आपको, 1-2 छोटी सी रील बना लो आजकल तो 10 सेकंड 15 सेकंड, इतने छोटे अमाउंट में अपना ख्वाहिश जो ख्वाहिश है, मैं पैशन की बात करूं, अगर आपके अंदर पैशन है तो आप ये ट्राई कर सकते हो। एंड ऐसा से अगर आप रोज ये चीज करोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, फिर आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि यार मैं अपनी ख्वाहिश, अपने पैशन और अपने काम को कैसे मैनेज करूं। दोनों चीज को मैनेज करने का यही सिंपल तरीका है कि टाइम थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड कर दो, अपने पैशन क्रिएटिविटी को थोड़ा सा टाइम दो, अपने नीड को ज्यादा टाइम दो, लेकिन टाइम दोनों को दो ताकि आप पॉजिटिव रहो और आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, कोई भी पछतावा ये सब ना आए। बिकॉज यार देखो पता क्या, मैं ये मानता हूं भाई, जिंदगी एक बार मिलती, जिंदगी हर किसी को एक बार मिलती है, अगर वो एक बार भी अपनी जिंदगी नहीं जिया ना तो क्या जिया वो।
अब यार एक जिंदगी मिली, अगर आप अपनी पूरी जिंदगी अपनी जरूरतों में ही बिता दोगे तो आप अपनी जिंदगी कब जियोगे यार? अपनी जिंदगी में तो आपको जीनी है ना, सही बात नहीं है गाइस? हर किसी की ख्वाहिश होती है मुझे ऐसे रहना है, मुझे वैसे रहना, तो रहो यार, अपनी जरूरतों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। आपको कोई भी डिसीजन लेना है अपने आपसे सवाल पूछो यार, यही एक सिंपल तरीका, सिंपल सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम है। जब भी कोई भी हम कोई डिसीजन लें तो हम उससे पहले एक बार पूछ ले कि हम ये काम कर सकते हैं भी कि नहीं, बस और कुछ नहीं है। बाकी टाइम मैनेजमेंट भी इससे अलग है, और क्या मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ? मैंने आपको ए टू जेड पूरा डीप एक्सप्लेनेशन दे दिया कि अगर आपको बेस्ट से बेस्ट टाइम मैनेजमेंट करना है तो आपको सुबह उठ के अलार्म वाली टेक्निक फॉलो करिए, और अगर आपको पैशन को फॉलो करना है तो साथ में टाइम मैनेजमेंट के लिए अलार्म प्लस मेडिटेशन, ये दो चीजें ट्राई करिए। इससे आपके दिमाग की जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, पॉजिटिव थॉट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और जब पॉजिटिव थॉट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो आपके अंदर एनर्जी रहेगी अपने काम को करने के लिए। अगर आपके अंदर अपने काम को करने के लिए एनर्जी होगी तो आप बहुत आसानी से, बहुत इजीली अपने काम को कर सकते हो, प्लस आप अपने टाइम को भी उस अकॉर्डिंग से मैनेज कर सकते हो। यही एक सिंपल एंड स्ट्रेट मंत्र है जो कि परमानेंट टाइम मैनेजमेंट का सोल्यूशन है गाइस। इससे बेस्ट सोल्यूशन आई थिंक सो मैं भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि आप अलार्म मेडिटेशन की जो कंबाइंड टेक्निक है, अगर आप उसको ट्राई करोगे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक महीना या एक साल, तो डेफिनेटली आपको इसकी हैबिट बननी शुरू हो जाएगी। बिकॉज यार हमारे ब्रेन में 21 डेज में 21 दिन में किसी भी चीज की हैबिट पड़ जाती है। 21 दिन थोड़े मुश्किल लगते हैं, 3 हफ्ते, लेकिन आप बोलोगे इतने कम टाइम में करके तो देखो 21 दिन आपको किसी भी काम की आदत पड़ सकती है, कोई भी काम आप ट्राई करके देख लो। साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है कि हम 21 डेज में कोई भी काम को सीख सकते हैं, पूरी तरह से नहीं, उसकी हैबिट बननी शुरू हो जाएगी। पूरी तरह से सीखने में तो महीने साल ही लगते हैं, लेकिन हैबिट बननी शुरू हो जाएगी। और एक बार हैबिट बननी शुरू हो गई ना किसी काम की, तब तो फिर वो इतना मुश्किल रहता नहीं, फिर आपके लिए सब जो इतना मुश्किल है ना टाइम मैनेजमेंट का शेड्यूल, इसका शेड्यूल आप अपने आप डिजाइन भी कर सकते हो, क्रिएट भी कर सकते हो, और दूसरों को एडवाइस भी देखा होगा कि तुम भी ट्राई करके देखो, मैंने ऐसे ट्राई करके देखा, मुझे ये बेनिफिट लगा। अब जो जेई मेंस इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, स्टडी के लिए अगर मोटिवेशन चाहिए तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट का यही एक सोल्यूशन है भाई। हर जगह ये सोल्यूशन एप्लीकेबल है, अलार्म प्लस मोटिवेशन का जो ये मेडिटेशन का शेड्यूल है ना, ये ऑल ओवर किसी भी टाइप की कैटेगरी में आप डाल दो, सब जगह बेनिफिट करता ही करता है। बिकॉज ये ऑब्जर्वेशन है, एक ऑब्जर्वेशन करी गई है, मैंने इस पे लगभग कई सालों से ऑब्जर्वेशन करी है, आपको समझ लो 4-5 सालों से मैंने ऑब्जर्वेशन करके ये टेक्निक समझ ली है कि इस तरह से आप अगर ट्राई करो तो ये डेफिनेटली वर्क है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, अदरवाइज यार देखो सजेशन करने के लिए तो आपको गूगल से ढूंढ के भी कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ, तो यार मैं बिलीव करता हूँ मैं वो सजेस्ट करूँ जो मैं खुद कर सकता हूँ, तो ये चीज मैं खुद कर सकता हूँ, मेरे लिए ये चीज बहुत ईजी है। बस तो ये चीज आप अगर मेरे लिए इजी है तो आई बिलीव कि क्या पता किसी और के लिए भी इजी हो, बस उसे बताने वाला कोई हो तो मैं भी शायद वो ये वीडियो देख के समझ जाए या सीख जाए। सो अगर कोई आउटसाइड कंट्री से देख रहा है तो मैं उसके लिए कन्वर्ट कर देता हूँ, अनुवाद कर देता हूँ। इफ यू नीड टू डू योर टाइम मैनेजमेंट इन अ बेस्ट परफेक्ट मैनर, सो यू नीड टू डू ओनली फॉलो टू टेक्निक्स। द नंबर वन इज टाइम फॉर्म इन द अलार्म, just schedule your time in the alarm, and the second one is the most important technique to meditate. You need to just meditate for 5 to 10 minutes, and for the time schedule you just need to manage it, you just need to write the text at the specific time that at this time I need to do this work, and at this time I need to do that work. You need to just put that text inside the alarm, and when you put that text inside the alarm will ring up at the exact time. That could be around 15 minutes, 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours, and you can schedule your full day for within 10 alarms. If within 10 alarms, you can schedule your full schedule, and your full schedule will be scheduled in that form. And
Your meditation for just 5 to 10 minutes in the beginning of in the morning can create your lifestyle quick, creative, and it will bring you in happiness and it will motivate you. आप ये उनके लिए था जो बाहर से देख रहे हैं, हिंदी में तो मैंने आपको इतनी देर से समझा ही नहीं यार, और कितना समझाऊं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ यार, the best at last में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करनी है, ये दो चीजें ट्राई करते रहो, नंबर वन इज अलार्म क्लॉक, नंबर टू इज मेडिटेशन, एंड नंबर थ्री इज आप अपने सवाल पूछो यार, आप सच में करना चाहते हो कि नहीं. ठीक है गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस पॉडकास्ट, मिलते हैं इन नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे हेल्दी, बाय बाय.